What is up, everyone? This is me, Mukesh. I'm Mukesh from Mukesh Network, and we are back with another one. First thing today, we're going to check this out. काफी सारे लोगों ने Instagram में DM किया है, and मैं ये गाना, ये track सुनना चाहता हूँ, and सुनना नहीं भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला कि इसमें कुछ real footages हैं उस घटना की use हुई है इस video में, so It's just going to break my heart. लेकिन इसमें कुछ असलियत सच्चाई वाले lines हैं जो मेरे को सुनने चाहिए, जो लोगों को सुनने चाहिए, ये बोला भी गया है. So man, Jenny Johal, मेरे को जो याद आ रहा है तो अथरा से टैल तेरा अथरा ये चाल जटा, आई थिंक वो ही गाना Jenny Johal का भी है, Jenny Johal सिद्धू मूसेवाला का. सो एनी वे, यू नो मूसा ये ट्रैक का नाम है, Jenny Johal सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट दिया गया है. लेट्स गेट इट. फर्स्ट थिंग टुडे वी आर रिएक्टिंग टू दिस मैन, वी चेकिंग दिस आउट, लेट्स गो. हापी हमेशा जोर आउट चन हुंदी है, जिते जोर हुंदा ओही मारदा ते असी ही मारते रहंगे जिन्ना चिर जोर आउंदा. कम ऑन, ए कोई कम नहीं सूर म्या सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो रियल फुटेज जो गोलियां चलाई गई है, एक नहीं दो नहीं मल्टीपल, लाइक आप गिन भी नहीं सकते उतनी गोलियां चलाई गई है. गोलियां काफ़ी चलाई गई है, लेकिन कार में जितनी लगी है उतना काउंट होता है. आपको इतना सब तामझाम करना पड़ा, इतनी गोलियां चलानी पड़ी, तभी जाके एक शेर को आप चुप करा पाए. बट ऑल्सो शी इज़ टॉकिंग अबाउट जस्टिस मैन, शी इज़ टॉकिंग अबाउट जस्टिस. सिद्धू मूसेवाला forever. सिद्धू मूसेवाला forever. He's the goat. He's the legend, and he will remain the legend because his legacy, जो discography है, जो गाने हैं उनके through, जो उनकी advices है, जो उनकी interviews है, जो उनका thoughts है, you know, जो उनके विचारधारा हैं, वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रहेगी. सो आप उनको मार के इस दुनिया से फिजिकली आप दूर कर दिया हमसे, बट उनका जो सोच है वो हमारे अंदर हमेशा ज़िंदा रहेगा. और उस हिसाब से सिद्धू मूसेवाला सबके अंदर हमेशा ज़िंदा रहेंगे. तुमने अमर कर दिया सिद्धू मूसेवाला को. Let's go, bro. अगेन सिक्योरिटी आपने हटाया, यू नो. एंड मेरे को ये भी मालूम था कि उस दिन सिद्धू मूसेवाला, ये भी मालूम है कि पता चला मेरे को कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो वो नहीं लेकर गए थे. एंड उनके फादर जो है वो काफ़ी टेंस थे, सिद्धू मूसेवाला बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेकर गए, इसीलिए वो सिद्धू मूसेवाला के पीछे पीछे भी गए थे, मुझे ऐसा सुनने में आया. तो उनको फिक्र थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि मे भी ऐसा कुछ होगा, मे भी उनको कुछ ऐसा फील हुआ कि ये सही नहीं है, सिद्धू को यू नो गाड़ी लेके जानी चाहिए थी. बट या मैन, सिक्योरिटी रिट्रैक्ट कर दिया गया, एंड लुक व्हाट हैपेंड मैन, लुक व्हाट हैपेंड. Hmm.
ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰੀਸ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਪੂ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਸਾਲਿਆ ਆ ਦਲੇਰੀ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮਸਾਲਿਆ ਦਲੇਰੀ ਐਡਾ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੋਰਿਆ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ Legends never die, their body may leave this earth, but the example lives on forever, the inspiration lives on forever, the spirit lives on forever, the legacy lives on forever. Long live Sidhu Moosewala. Justice for Sidhu Moosewala. Look, मैंने गाने को पॉज नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि गाने को पॉज करूं. मैं सब कुछ याद रख रहा था कि क्या क्या मेंशन करना है बाद में. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि सिद्धू मूसेवाला के मॉम सिद्धू मूसेवाला के पापा की बात की उन्होंने जेनी जोहल ने. एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि एक माँ ने तूने शेर जन्म दिया है. इतना खौफ उनका था, इसी वजह से इतना षड्यंत्र उनको इस दुनिया से ले जाने के लिए हुआ. तो सिद्धू मूसेवाला मैन, सिद्धू मूसेवाला, जेनी जोहल, ब्यूटीफुल सिंगिंग, ये जो टॉपिक है बहुत ही यू नो हार्ट टचिंग टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही इमोशनल टॉपिक है, जिसमें जेनी जोहल ने ये आवाज़ उठाई है. जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला की, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला के लिए आवाज़ उठाई है. यू नो जेनी जोहल ने बोला कि अगर यू नो आप इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो क्योंकि आपको खौफ है अपनी ज़िंदगी का, लेकिन अगर हम इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज सिद्धू मूसेवाला के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और आर्टिस्ट के साथ होगा जिसको आप पसंद करते हो, फिर उसके बाद किसी और आर्टिस्ट के साथ ऐसा होगा, ऐसा होता रहेगा, ऐसे नाइंसाफी होते रहेगी. अगर आप इंसाफ से इतना डरते हो तो आपको कभी भी वो इंसाफ नहीं मिलेगा, यू नो. तो आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा क्योंकि एक एक माँ एक बाप ने अपना बेटा खोया है, एक म्यूज़िक इंडस्ट्री ने अपना बहुत बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट खोया है एक म्यूज़िक जॉनर में. एंड अगेन जेनी जोहल ने बोला कि जिसको भारत में, जिसको हमारे देश में यू नो फुल ऑन सपोर्ट नहीं करते उस आर्टिस्ट को, उसी आर्टिस्ट को बाहर के लोग फुल ऑन सपोर्ट करते हैं एंड ट्रिब्यूट भी देते हैं. एंड जेनी जोहल ने बोला कि सिर्फ RIP तक आप ये बात मत रखो, ठीक है. अगर आप सिद्धू मूसेवाला को सच में रिस्पेक्ट करते हो देन जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला की इस मुहिम में आप जुड़ो, यू नो. सो ब्यूटिफुल, दिस ट्रैक वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. जो मैसेज था वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उस मैसेज के पीछे हम जेनी जोहल का जो यू नो जो इमोशंस है, जो उनका पैशन है, जो उनका वॉइस है, जिस तरीके से उन्होंने ये ट्रैक यू नो पूरा का पूरा उन्होंने गाया, उनके वोकल्स हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते. काफ़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये ट्रैक को हमें समर्पित किया एंड बहुत खूबसूरत था. जेनी जोहल, शाउट आउट टू जेनी जोहल, मूसा, सिद्धू मूसेवाला. एंड प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा. एंड जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला. सी यू द नेक्स्ट वीडियो मैन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो.